अंकल, अरे जल्दी करो, तमाशा दिखाने जाना है बीन बजा के। तुम चुप रहो यार। अरे लिखो भाई, मैं कान पे मारूंगा लपड़। लिखो भाई। संभालो संभालो। अरे बोल, क्यों आया थाने में? मल्टीप्लेक्स खोल रखा है हमने। मैडम, हमारा नाम है लट्टू लालवानी। क्या लग रही हो? हाय हाय। ना के लग रही हो ना के रैप्टा लगा रही हो वाली पार्टी हूं मैं। अरे आप समझे नहीं, क्या लग रही हो हमारा तकिया कलाम है, जो हम अपनी पुन्नी से कहते हैं। ये पुन्नी कौन है यार? मैडम पुन्नी हमारी वाइफ का नाम है। क्या लग रही हो? अब मैडम क्या है कि कल रात हम अपने बेड पे सो रहे थे, तो हुआ ये कि वहां पे जैसे ही हम सोने जा रहे थे। एक मिनट। हेलो। हाँ बेटा, बुलबुल है, बोलो। अच्छा शर्मा अंकल आए हैं चाय के लिए। हाँ तो अच्छी बात है, उन्हें चाय पीने दो। अरे बेटा तुम्हें क्या करना है, वो बेडरूम में चाय पिए, हॉल में पिए, किचन में पिए, उन्हें पीने दो ना। हाय हाय। अपनी मम्मी को फोन दो जरा, चुलबुली को बुलाओ। हाँ हेलो चुलबुली। अच्छा ये शर्मा जी जो हैं वो बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं, जरा ख्याल रखना है उनका। हाय हाय। मतलब चाय के साथ जरा बिस्किट विस्किट भी कुछ, ठीक है? ओके चलो रात को जल्दी आता हूँ। ओके ओके बाय बाय। थारे बाप के नौकर हो रहे हैं कि चलते इन्वेस्टिगेशन में जो है थारा फोन बज रहा है और तू अपने मोहल्ले वालों को ना परिवार वालों को पपिया बांट रहा है और हम वेट कर रहे हैं कि कब गुलगुले साहब फारिक होंगे तो कब जो है केस में इंटरेस्ट लेंगे। अपना मोबाइल निकाल और इसको वाइब्रेट मोड पे डाल और आज जो है बेटा, आज के बाद इस थाने में कतई अगर यो थारा फोन बज गया और तैने उठा लिया तो फोन के साथ साथ तैने तोड़ दूंगी मैं। वाइब्रेट पे कर, कर वाइब्रेट पे डाल रहा हूं मैडम। हो गया मैडम वाइब्रेट। ये फोन ना बज जाए और बज गया तो उठ ना जाए, समझा? वरना हाथ काट दूंगी और लगा दूंगी यही बाहर चबूतरे पे। हाँ समझ गया मैडम, समझ गया। तू बोल क्या कह रहा है तू? मैडम क्या था कि हम अपने बेड पे सो रहे थे, तभी हमें लगा कि कोई चीज आके हमसे लिपट गई है, तो हमने सोचा हमारी वाइफ होंगी, क्योंकि अक्सर हमारी वाइफ हमसे आके लिपट जाती हैं। अब मैडम क्या है कि जैसे ही हमने अपनी आंख खोल के देखी तो हमने देखा वहां पुन्नी नहीं है बल्कि एक सांप हमसे लिपटा हुआ है। और मैडम हम डर के मारे चीखे और वहां से भागे, तभी यह सपेरा हमारे घर में घुस आया और बोला कि वो सांप हमारा है जो तुम्हारे घर में घुस आया है। क्यों भाई नागालैंड, कहाँ कहाँ घुस रहे हैं थारे साहब जाके हैं? मैडम क्या है कि टिंकू बहुत नॉटी है, बीन बजा के। पस पस। नहीं। लेकिन किंतु परंतु कौन है ये टिंकू? ओके मैडम। टिंकू हमारा सांप है मैडम, ये देखिए हम अपने साथ लेकर आए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये देखिए मैडम ये है हमारा सांप। ये देखिए। अरे नहीं नहीं डरिए मत, इसमें जहर नहीं है। क्या है ना मैडम, टिंकू और पिंकू जो है ये दोनों जुड़वा है, लेकिन टिंकू जो है ये दांत तुड़वा है, यानी कि इसके जहर के दांत जो है ये टूट चुके हैं। मैडम ये वही सांप है जिसकी वजह से हमारी शादी हुई बीन बजा के। पस पस। क्या हुआ, हमें एक लड़की के साथ बहुत मोहब्बत हो गई बीन बजा के। पस पस। हमने सोचा इसे इंप्रेस करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए, तो हमने इस सांप को उसके पीछे छोड़ दिया। ये सांप ने जाके उसे काटा, वो चीखी, हम दौड़े और हमने ऐसा ड्रामा रचा बीन बजा के कि जाकर हमने उसके शरीर में से जहर जो है वो चूस के बाहर निकाल दिया और बीन बजा के। और मैडम वो इंप्रेस हो गई और वो पट गई। अब मैडम किसी लड़की की जान अगर कोई आदमी बचा देता है तो फिर वो लड़की तो पटी ही पटी ना बीन बजा के।
ओके, इसका मतलब टिंकू में जहर नहीं है। नहीं लेकिन मैडम क्या ये टिंकू जो है ये बहुत शरारती है, ये अक्सर इस पिटारे से निकल के भाग जाता है। आज सुबह भी अपने पिटारे से निकला और इनके बेडरूम में जाकर घुस गया बीन बजा के। भाई ऐसा है, आज तो थारी कंप्लेंट आ गई है, पर आज के बाद जो अगर थारी या थारे इस टैंको की कंप्लेंट आ गई ना, तो सांप के तो दांत टूटे हुए, थारे और तोड़ दूंगी मैं। नहीं नहीं आएगी मैडम बीन बजा के। FIR साहब, मैडम ने हमें छोड़ दिया। मैडम ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या हो गया, यहाँ के बड़े साहब हम हैं। साहब? साहब नहीं, साहब। और मुझे दिख रहा है क्या? कि तुम्हें जेल जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन घबराओ मत, अगर तुमने मेरा एक छोटा सा काम कर दिया तो तुम बच जाओगे। साहब कौन सा काम? मुझे एक दिन के लिए तुम्हारा टिंकू चाहिए। टिंकू? हाँ साहब, ये रख लीजिए, हमें जाने दीजिए। इसको उठाओ, अभी नहीं। आज शाम पुलिस क्वार्टर्स रूम नंबर 3 North 7 टिंकू को लेकर आ जाना, समझे? ठीक है साहब। कितने बजे? शाम को 7 बजे के बाद कभी भी, और दरवाजा नॉक जरूर करना। हाँ साहब, टिंकू आएगा ना खुद ही नॉक कर लेगा। यू कैन गो टिंकू। बेटा टिंकू, सुबह हो गई, जागो 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 जागो। अरे भड़का है बच्चा? नहीं, ओके चिल मैन। अब बस, अब ये बिना जहर वाले सांप को मैं चंद्रमुखी जी पर छोड़ दूंगा, फिर ये सांप चंद्रमुखी जी को ढस लेगा और उसके बाद मैं खून चूसने की एक्टिंग करूंगा, जिससे कि चंद्रमुखी जी को लगेगा जैसे कि मैंने उनकी जान बचा ली है। और उसके बाद अरे वाह टिंकू, मैंने अभी अभी जो देखा उसे तुम ही साकार कर सकते हो, मेरे लाल, मेरे चीते, मेरे सप्पू, मेरा बच्चा। आ जा मेरे बच्चा, बाहर आ जा। ओ इधर होगा, ओ अंदर घुस गया होगा। टिंकू, ए टिंकू, आया टिंकू, कहीं निकल गया टिंकू, टिंकू, टिंकू। मैडम मेरा केस का क्या हो गया मैडम? ऐसा है, यहाँ तो जो है ना छोरी, थारे संग जो है ना उल्टी गंगा बहरी से, तैने कोई छोरी छेड़ गई है भाई, और हृतिक रोशन सी बात। यो हृतिक रोशन सी जो बाड्डी बना के घूम रहा है ना, ना तो पुलिस क्या करेगी, ना सबके घरों में। कल से ऐसा कर, ना यो अंग प्रदर्शन करने की कोई जरूरत ना है, फुल स्लीव्स की जो है शर्ट पहन के निकलियो कल से।
वेट लूज कर, ओके न ज्यादा जो है हृतिक। कल से फेस कवर करके निकलियो। हम क्या कह रही थी मैं, ऐसा है हम परेशान हो गए हैं ऐसी छोटी मोटी कंप्लेंटों से, अपनी इज्जत। क्या हो गया है, माइकल जैक्सन हो रहा है तू चौकी का? मैडम लगता है मेरा फोन बज रहा है। हाय हाय, मतलब वाइब्रेटर पे रखा है ना मैंने, इसलिए मुझे। लेकिन मैं फोन उठाऊंगा नहीं मैडम। नहीं आपने कहा है ना कि चौकी में नो फोन, तो मैं फोन नहीं उठाऊंगा मैडम। बजने दीजिए उसे, बजने दीजिए, घर पर जाकर देखूंगा, लेकिन यहाँ फोन नहीं उठाऊंगा। ओहो नए की डांट में जो है इतना हृदय परिवर्तन, चरित्र परिवर्तन हो गया थारा। वेरी गुड, तू सीख ले कुछ हो, धीमी गति का समाचार तेरी। भाई तू निकल, कल को आइयो, ओके फिर गौर फरमाएंगे कि क्या करना है थारे केस का। निकल चल। ऊपर करो। क्या हो गया सर? अरे हो नहीं गया बल्कि खो गया। क्या खो गया सर जी? अरे साफ 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 सफाई, साफ सफाई करो, मेरी सोनी की अंगूठी घूम गई है। गोपी साफ करो, देख क्या रहे हो, जाओ साफ करो, जाओ जल्दी साफ करो। तुम चुप, यू कम एंड सी मी, मैं बात करना चाहता हूं। यू कम, क्या कर रहे हैं सर आप? शर्ट उतारो, शर्ट उतारो। सर मैंने आपसे पहले भी कहा था सर, अगर आप मेरे साथ ऐसी अश्लील हरकत करेंगे तो मैं मैडम को सब कुछ बता दूंगा सर। अरे बकवास बंद करो तुम। देखो दरअसल क्या है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने फिट हो, है ना? अब मुझे कमिश्नर को रिपोर्ट देनी ना, इसलिए कम ऑन कम ऑन शर्ट उतारो। सर प्लीज, सर प्लीज, देखिए मैं शर्ट नहीं उतारूंगा सर। तुम मुझे मजबूर मत करो गुलबदान। सर आप भी मुझे मजबूर मत कीजिए सर। ये गलत बात है, ये क्या तरीका है सर? बटन खोल, बटन। मैडम 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 मुझे इस चौकी की द्रौपदी होने से बचा लीजिए मैडम। मैडम सर के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। ये मुझसे कह रहे हैं कि शर्ट उतारो, शर्ट उतारो मैडम, मेरी शर्ट। क्या सुन रही हूँ सर मैं? नहीं नहीं देखिए दरअसल बात ऐसी नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही है। एक मिनट सर, एक बार को जो है ना मैं खुद से झूठ बोल सके हूँ, पर यो महारा गुलगुले यो महारे से कतई झूठ ना बोला करे सर, प्लीज लीव हिम अलोन। चल थारा कतई झोले, इतने फोन तो जो है कॉल सेंटर में भी ना आते हैं, उठा ना लियो कतई, हाथ ना लगा लियो फोन। नहीं उठाऊंगा मैडम, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। गुलबदन अरे तुम जाओ, मैं तुम्हें फोन करने के लिए आ रहा था। क्यों, उस सांप ने किसी को काट दिया है क्या साहब? हम यही बताने के लिए आपके पास आए हैं बीन बजा के फिस फिस। दरअसल हुआ ये है साहब कि टिंकू जो है ना उसने हमें चकमा दे दिया और जाके पिंकू के पिटारे में घुस गया बीन बजा के फिस फिस, और हम जो है वो टिंकू की जगह पिंकू आपके पास यहाँ लाके छोड़ गए बीन बजा के फिस फिस। और जो पिंकू है ना वो एक नंबर का जहरीला सांप है साहब, बीन बजा के फिस फिस।
अबे पिस, ये तूने क्या किया साले? अब पर वो सांप है कहाँ? सांप बीन बजा के पिस। अबे हो पिस, वो मेरे हवलदार गुलगुले के शर्ट के अंदर है। ये भूख क्यों मरा रहा है? ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मेरे हाथ के बाजू में सांप आ गया और वो मुझे ढसने वाला है। हेलो ये तुमने क्या कर डाला? हाय चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी। अरे सर ये क्या हो गया? मुझे सांप दिखा क्या? क्या यहाँ सांप कैसे आ गया? बकवास बंद करो अंकल साहब, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अरे कोई सांप वाप नहीं यार, वो टिंकू सांप है ना, वो सफेद के डब्बे में से निकल के बाहर आ गया होगा। अरे वो जहरीला ही नहीं है सर। यूं मैडम आप ये क्या कर रही हैं? वो सांप जहरीला नहीं है, वो टिंकू। मैडम मैडम। अरे नहीं नहीं नहीं, टिंकू नहीं, पिंकू। पिंकू ने काटा है, जहरीले सांप ने इनको काटा है। मैंने उसे पकड़ लिया, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। बीन बजा के पिस। मैडम सर मर जाएंगे। सर 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 चक दे फट्टे। आर यू ओके? आपने चंद्रमुखी जी, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरी जान बच गई आज। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा चंद्रमुखी जी। एक एहसान तो जो है ना, इस साले पे भी करना है। क्या कही थी थारे से मैंने? क्या कही थी? मैडम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इस इंस्पेक्टर साहब ने बिना जहर वाला सांप इस थाने में मंगवाया था बीन बजा के फिस फिस, पर गलती से जहर वाला पिंकू यहाँ आ गया बीन बजा के फिस फिस। हाय नाग पंचमी है आज, जो मनाने के लिए चौकी में सांप मंगवाया है आपने। इससे पहले कि आप कुछ गलत समझे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई हैव एन एक्सप्लेनेशन। दरअसल क्या है चंद्रमुखी जी, मैं सांपों की जानकारी लेना चाहता था। दरअसल क्या आपको नहीं पता, अगले हफ्ते हम लोग जंगल जा रहे हैं एक मिशन पर, और ऐसे जंगल जा रहे हैं जहाँ बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े मोटे चौड़े सांप है वो। पिस पिस। तो इसीलिए मैं सांपों के बीच रहकर उनके बारे में जानना चाहता था, यू नो हाउ डिड दे बिहेव। बैड मास्टर आपका हो गया, आप जा सकते हैं। हो गया, तो सर वैसे तो जो है ना, जंगल में शेर चीते भी कई होते हैं ना, कहिए तो एक आध मंगवा दूं। यहाँ मंगवाने की क्या जरूरत है जब इस चौकी में मौजूद है आप जैसी शेरनी और मुझ जैसा शेर। आप जैसा शेर, वो शेर जो एक सांप के डसने से हो गया था ऑलमोस्ट ढेर। कुछ नहीं मैडम, वो हाय जेब में फोन है ना, वो वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन मैं उठाऊंगा नहीं। थारा फोन हमारे पास है। अरे लगता है पिंकू पिटारे से फिर निकल गया। तस्वीर में भी घूर के देख रही हो मुझे? आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? हाँ क्यों नहीं कह दियो तुम? हाँ कह दो मुझे, हाँ कह दो प्लीज, मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। अरे सर किसकी फोटो है सर? मम्मी की। ओह मम्मी मम्मी पेरीपोना मम्मी। हाउ डेयर यू, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसी थी? बदतमीज कहीं के भूल गए सीनियर ऑफिसर के कैबिन में एंटर होने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। कैबिन के अंदर आने की इजाजत लेने नहीं आया हूँ सर, मैं तो आधे दिन की छुट्टी पर जाने की इजाजत लेने आया हूँ। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूँ हमेशा के लिए।
कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगा, आउट यू गो। लेकिन सर मुझे मैंने कहा ना दफा हो जाओ, आउट यू गो। मैं तो सोच रहा था कि आधे दिन की छुट्टी लेकर आपके बारे में कुछ सोचूं, लेकिन इट्स ओके, ठीक है सर। एक मिनट, मेरे बारे में मतलब खुल के बताओ। सर अब मैं इतना भी भोला नहीं हूं सर कि ये बात ना समझूं कि आप अपनी इस जवानी की उफ उम्मा उम्र में अपनी अम्मा की फोटो नहीं देख रहे थे। मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं कि आपके दिल में मैडम के लिए फीलिंग्स हैं। और आपको एक सीक्रेट बताऊं सर? बताओ। सर आपके दिल के चूल्हे में जो आग जल रही है ना सर, वही आग मैडम के दिल में भी भड़क रही है सर। Are you sure? अरे सर इसीलिए तो मुझे छुट्टी चाहिए सर, ताकि मैं ऐसा कुछ सोचूं जिससे जलता रहे आपका चूल्हा, मैडम बने आपकी दुल्हन और आप उनका दूल्हा। लेकिन ठीक है सर, आपको मुझे छुट्टी नहीं देनी है तो मत दीजिए सर, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम सर, मैं चलता हूँ सर। गुब्बारे मुलायम सिंह गुलगुले तुम भी ना, बड़े छुपे रुस्तम निकले, छुपे रुस्तम निकले। देखो मैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब भी तुम्हें ऐसी कोई छुट्टी उट्टी चाहिए ना, मांगा मत करो, ले लिया करो। ऐसा रूठते नहीं है गुब्बला गुब्बला। अच्छा सुनो, जाने से पहले जरा ये तो बताओ कि तुम तो जानते हो मैडम के लिए जो फीलिंग्स है मेरी, उसको मैं कैसे क्या बताता हूँ सर? जलन, एसिडिटी? नहीं वो जलन नहीं सर, जलन सर, जलन उस गुलेल का नाम है जिसे हर लड़की का शिकार किया जा सकता है सर। आप मैडम को जलाइए, तड़पाइए, सुलगाइए, बस वो जल के राख हो जाएगी, फिर आप देखिए वो कैसे आपकी बाहों में आ जाती है सर, कैसे। अच्छा लेकिन मैं उनको जलाऊं कैसे? सर इसीलिए तो मुझे छुट्टी चाहिए सर, ताकि मैं जाकर सोच सकूं। इस काम के लिए सर आपको एक लड़की की जरूरत पड़ेगी, आप लड़की का इंतजाम कीजिए, बाकी का प्लान मैं सोच कर आता हूं ना सर, अभी सोच कर आता हूं। हाँ हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ, सोचो अच्छे से जाओ। बादाम बादाम बिस्कुट सोचता हूं, बादाम खाओगे? सोचता हूं, जाओ जाओ। लड़की, हमारा नाम है मैंगो मुथरेजा, दिमाग से। हाय, पेट से होता न तो भी क्या कर लेता, क्रेच खोल देता तू थाने में। मैटर क्या हो रहा? मैडम मैटर ये है कि हगेंद्र पुरवा के आगे एक टिकमड़िया चौराहा है, वहां पर एक बिल्डिंग है कमोन, जिसमें हम रहते हैं, और ठीक उसके सामने एक बिल्डिंग है वाई नॉट, जिसमें ये रहते हैं। ये कौन है? जी माई सेल्फ पप्पू, फोटो खींच दूंगा। हाय, ऐसा है ना, जो कतैया होशियारी में बात मिलाएगा ना, तो 10-20 रैप्टे मैं खींच दूंगी थारे मुंह पे। मैडम मैंने अक्सर गौर किया है कि ये अपनी खिड़की से, हमारी खिड़की में अपने कैमरे से कुछ देखता रहता है। क्यों भाई, तुम्हारे घर कोई देखने वाली चीज है क्या? सॉरी मम्मी जी। एक्सक्यूज मी, हम अकेले रहते हैं और हम दिमाग से इतने तेज हैं कि हमने ताड़ लिया है कि हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब कुछ देखता रहता है। अजी नहीं मैडम, दरअसल बात यह है कि इनकी बिल्डिंग कम ऑन और हमारी बिल्डिंग वाई नॉट के बीच में एक पेड़ है, तो क्या है कि हम अपने कैमरे से उस पेड़ की फोटो खींचते रहते, बिकॉज आई एम अ नेचर लवर, खींच देंगे। और वो तुम्हारी बहन? नहीं, खुल के बोलो, अब नहीं हो रहा है सहन। मैडम इस केस में जरूर है कोई बहन। ओके बाय। बहन कहाँ से आ गई केस में? अरे पूछिए मत मैडम, इनकी बहन जब तक हमारे घर की घंटी बजाती है और घर में घुस के हमें परेशान कर देती है दिमाग से। अरे मैडम ये तो कमाल हो गया, भलाई का जमाना नहीं रहा, एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमारी बहन जो है वो कभी समोसा और कभी कचोरी लेके इनके यहाँ चली जाती है। हमारी बहन बहुत दयालु है मैडम, वो कभी भी किसी भी हद तक जाकर किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो जाती है। शी इज वेरी हेल्पफुल। खींचेंगे? टू हेल्प, भाई बहन की जोड़ी, न जब वो कतई एक लोनर किस्म का प्रिबिसी पसंद, न अकेला मंद आदमी हो रहा है, तो क्यों दोनों भाई बहन मिलके जो है इसके गले पड़ रहे हो? पर थारी बहन को जो है अगर समोसे कचौड़ी बनाने का इतना शौक हो रहा तो थाने में भेज दे ना, कई भूखे यहाँ भी हो रहे हैं। और तू कतई जो है अगली बार अपनी खिड़की पे तू खड़ा ही ना मिलियो मन्ने।
ओके। क्या? जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हारी बहन बहुत हेल्पफुल है और वो हर किसी के काम आती है, वो किसी मैं हूं, उसे मेरी मदद करनी होगी, समझे तुम? और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं खींच देंगे, डोंट वरी सर, आप जैसा कहेंगे हमारी बहन वैसे ही करेगी। माय सिस्टर इज वेरी हेल्पफुल, करना क्या होगा? वो मैं शाम को आपको बता दूंगा। ओके सर। चंद्रमुखी जी, अब तो होकर ही रहेगा। मैडम जी, हमारा नाम है झूलन। झूलन कभी झूठ नहीं बोलती। मैं अबला नारी छड़िया तालाब के किनारे पर रहती हूँ और हमारे मोहल्ले के मंचले हमें बहुत छेड़ते हैं। कैसे छेड़ते हैं? अरे मैडम, आप भी एक नंबर की। अरे भोली है मैडम, मैं तो पूछताछ कर रहा हूँ ना। मारी तस्वीर पे हार चढ़ गए हैं ना, हर फ्राइडे मारी कबर पे तू फूल चढ़ाने आता है। मर गई हूँ मैं, कर रहा है पूछताछ बढ़ाया। ऐसा है भाई, कहाँ रह रही है तू? चल मैं तारे संग चलती हूँ, देखती हूँ कौन छेड़ रहा है तन्ने है। रुक जाइए चंद्रमुखी जी, रुक जाइए, मैंने सब कुछ सुन लिया है। बड़ी शर्म की बात है कि मेरे होते हुए कोई और झूलन को छेड़ गया, मतलब छेड़ गया। घबराओ मत झूलन, मैं हूं ना, आज की रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा, मतलब तुम्हारे घर के बाहर गुजारूंगा और देखता हूं कौन मनचला है जो तुम्हारी अटरिया पे आता है। आओ 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 झूलन, आओ। अरे चंद्रमुखी जी, आप यहाँ हैं? न जाने मैंने कहाँ नहीं ढूंढा आपको। क्यों सर, हमारे से क्या काम आ गया आपको? नहीं, वो क्या है चंद्रमुखी जी, दरअसल रात भर मैं झूलन के घर रहा, उसने मेरे लिए चाय बनाई, मैं उसे शॉपिंग पर ले गया, तो ये सब जानकर कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे सर, रात आपने बिताई, चाय आपने पी, शॉपिंग आपने कराई, ना इसमें मैं कहाँ से आ गई, मरने क्यों बुरा लगेगा? नहीं मेरा मतलब है बुरा थोड़ा सा, इतना सा भी नहीं लगा। सर बात यू आर डूइंग इज सोशल सर्विस, आप जो है ना एक अबला नारी की मदद कर रहे हो और यो तो हो रहा है पुण्य का काम, ना मैं क्यों बुरा मानूं इसमें सर, आप जो है ना प्लीज कैरी ऑन। सर हेल्प चाहिए सर। तुम गुब्बारे, तुमने तो मुझसे कहा था कि मैडम जो है वो जलकर राख हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सर 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 राख में से अगर धुआं ना निकल रहा हो ना सर, तो ये नहीं समझना चाहिए कि उसमें आग नहीं है। मैडम वो अंगीठी है सर जो अंदर ही अंदर सुलग रही है। ये सब तो लड़कियों की अदाएं हैं सर, वो ना बोले मतलब हाँ। अरे जलकर लालम लाल हो गई, ये मुझे पता है ना सर। सर वैसे मुझे आधे दिन की छुट्टी और चाहिए थी सर, ताकि मैं आपके लिए कुछ सोचूं। सोचने के लिए सर। हाँ हाँ ठीक है, ले लो बिंदास ले लो, नो प्रॉब्लम, सोचना जरूर। हाँ ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स सोचता हूँ सर। यस सोचता हूँ मैं। ओके इंस्पेक्टर साहब, आखिर कब तक ड्रामा चलता रहेगा, मैं थक गई हूँ। मेरी बात मानिए तो एक काम कीजिए, आप एक ही बार में सेंचुरी मार डालिए। सेंचुरी? हाँ। कैसे? वो ऐसे, आप मेरे साथ अपना MMS बनवा लीजिए और उससे मैडम के फोन पर भेज दीजिए। मैडम जैसे ही मुझे आपकी बाहों में देखेगी, वो जल भून जाएगी और मुझे हटाकर आपकी बाहों में आ जाएगी और मुझे इस ड्रामे से छुटकारा मिल जाएगा। अरे पप्पू, फोटो के होते हुए आपको चिंता करने की क्या जरूरत है,
और वैसे भी MMS बनाने में हम माहिर हैं। एक बार आप लोग शुरू हो जाइए, बाकी सब हम संभाल लेंगे, खींच देंगे खींच देंगे। अरे शुरू हो जाओ, खींच देंगे खींच देंगे। हाँ, एक मिनट। हाँ, बहुत बढ़िया, ये लीजिए आपका MMS बन गया और ये हमने अपने फ्रेंड को भेज भी दिया। अच्छा कि ए हेलो, ये क्या, दोस्त को क्यों भेजा? ताकि उसके पास ये MMS सुरक्षित रहे। मतलब मतलब ये कि मैं और मेरे भैया मिलकर न जाने कितनों को ही ऐसा बेवकूफ बना चुके हैं। उनके MMS बनाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही ब्लैकमेलिंग का है। देखो इंस्पेक्टर, अब तुम बुरी तरह से फंस चुके हो बहना, अब आएगा मजा, अब होगी तुम्हारी इस इंस्पेक्टर के साथ शादी। अरे अब डर काहे का, जब जीजा भय कोतवाल खींच देंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है दरोगा बाबू, कल तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी इसी चौकी में सबके सामने, ताकि कल से तुम मुकर ना जाओ। और ज्यादा चूर चपड़ की ना तो ये जो MMS है ना वो कमिश्नर तक पहुंच जाएगा, समझे? जीजा जी, कल रेडी रहिएगा, हम अपनी बहन की बारात लेकर आएंगे, खींच देंगे खींच देंगे। चलो बहना चले। खींच दिया भैया, कैसा लगा मेरा जलवा? वंडरफुल बहना, इस बार बहुत मोटा मुर्गा हाथ आया है। एक बार तुम्हारी शादी इस इंस्पेक्टर के साथ हो जाए ना, तो फिर हमें करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। करोड़पति? Yeah, let's go, come on. Yeah. Hey. 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 आज हमारी चौकी में है हमारे चीफ इंस्पेक्टर की शादी, और इस खुशी में ना मैं घनी खुश हूँ और मैं नाचूंगी गाऊंगी। बस भाई, कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। क्या सर, आप मैडम को जलाते जलाते इस झूलन के प्यार में ही जल गए? आप इस झूलन से शादी कर रहे हैं सर? सर अपनी जवानी को थोड़ा और कंट्रोल करते ना सर, तो आपकी शादी मैडम से ही होती। शट अप। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। ओ डिस्को पंडित, यस भैया सर ना, यो तो जो है मंडप, यो घना ट्रिकी मंडप से, इस पर कई बार जो है शादियां होते होते बिना हुई। yes! तो इससे पहले कि इस शादी में कोई विघ्न पड़ जावे, ना जल्दी से मंत्र पढ़ो, निपटा शादी। ना को मंगल सूत्र पीना ही है। जीजू ये मंगल सूत्र। जीजू अब पहनाओ ना, पहनाओ। जीजू पहनाओ, पहनाओ पहनाओ, जीजू पहनाओ पहनाओ पहनाओ, कोई बात नहीं पहनाओ। अरे पहनाओ, बस हो गया। एक मिनट, इससे पहले कि दुल्हन का घूंघट उठे, केस से पर्दा तो उठा दे हम। बाल को सबसे पहले तो जो है ना इस पप्पू खोटू ने धर। अरे मुझे मुझे क्यों ऐसे ऐसे क्यों क्यों हैं ना, तू घना एक्सपर्ट हो रहा है MMS का।
तैने के दिखे कि एक एमएमएस तू ही बना सके भाई, एक एमएमएस तैने बनाया था जिससे तैने हमारे सर को ब्लैकमेल किया, और एक एमएमएस बनाया हमने जिसमें थारी और थारी इस फ्रॉड बहन की जो है प्लानिंग की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई है बेटा, प्लीज सो। एक बार तुम्हारी शादी इंस्पेक्टर के साथ हो जाएगा फिर हमें करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। और भाई यो झूलन ना, इसकी तो कोई फर्स्ट टाइम शकल देख के इस पे शक हो जावे ना किसी को भी, तो फिर जो है मैंने जरा गोपी से कही कि जरा इसकी पूछताछ जरा इंक्वायरी बिठाओ। ओ है डायनासोर के युग के प्राणी, एक आध लाइन खुद भी बोलेगा तू? हाँ जी जी मम्मी जी, मैंने छड़िया तालाब पे जाके पता किया, कोई इस नाम की लड़की वहां रहती नहीं थी। और फिर जब हमने इसका अगला पिछला सब चिट्ठा खुलवाया तो पता लगा व्हाट डू वी हैव हियर, भाई भाई बहन की वो जोड़ी जो एमएमएस बना के लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा लूटते हैं, वो जोड़ी जिसकी पुलिस को घने दिनों से तलाश थी, वो यो ही दोनों हैं। तो बालकों व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, धर लो सालों ने। लेकिन मैडम, अरे मैडम आप भी आइए, ये भी ले जाइए, आगे कहीं आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, चलिए निकलिए, हो गई शादी। Congratulations. I'm so proud of you, Chandramukhi ji. I'm so proud of you. सच कहूँ ना तो मुझे इस गैंग के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन थी, मुझे भी इस लड़की पर डाउट है, इसलिए तो जानबूझकर मैंने इन्हें अपने जाल में फंसाया। और जरा मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए तो सही, अरे अपने फर्ज के खातिर मैंने खुद एमएमएस तक बनवा दिया। Are you proud of me? Sir, you're great, sir. Oh, thank you. सर पर एक सजेशन जो है ना एज अ कुलीग मैं आपको देना चाह रही हूँ। प्लीज सर, वो तो अच्छा है कि क्लाइमैक्स जल्दी हो गया, वरना फर्ज की खातिर जो है आपकी शादी भी हो जाती, फिर आपकी सुहागरात भी हो जाती, और फिर जो है ना चार एक बच्चे भी हो जाते आपके। ओके, और तू ना इंडोर्स में गोगल्स पहन के घूम रहा है तू, चल। अरे सर वाह, जल गई सर, जल गई, जल के कोयला हो गई है सर, टू गुड सर, वेल डन सर, वेल डन। वैसे सर मुझे आधे दिन की छुट्टी और चाहिए थी सर। छुट्टी? आधे दिन छुट्टी? ये क्या है सर? गुड मॉर्निंग। बैटर एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम है शशिकांत अग्निहोत्री, भरी दोपहर में ना खाली रात में भी होता तो भी क्या कर लेता तू? अरे करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लेकिन कर ही नहीं पा रहा हूँ ना भरी दोपहर में। ओ अंकल जो भी बोलना है जरा खुल के बोल दो, वरना हमारी मैडम आपको खोल देंगी, क्यों हमारी मैडम एक नंबर की चंट, मेरा मतलब है एक नंबर की खुर्राट, मेरा मतलब है एक नंबर की गुस्से वाली हैं। अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है जो बार बार मुझे काटता है। कौन तुम्हें काटता है, तुम्हारा कुत्ता? नहीं बंदर। बंदर? तो हमने जो है यहाँ जू खोल रखा है, हैं मदादी हो रहे हैं हम, डमरू हैं हमारे हाथ में, बांदरों के केस सॉल्व करेंगे। यो कौन हो रही छोरी? ये मेरी बेटी है लवलीना अग्निहोत्री। और प्यासे लोग मुझे लव कहते हैं। चुप बैठ। मैडम ये मेरी बेटी है, कुछ दिन पहले ये है ना जू में गई थी भरी दोपहर में, तो वहां पे इसके पीछे एक बंदर दीवाना हो गया। वैसे देखने जाए तो सारे मोहल्ले में पान वाले से लेके पंचर वाले तक सारे इसके दीवाने हैं, लेकिन ये बंदर के पीछे दीवानी बन गई है भरी दोपहर में। Yes, I love बंदर, you know? भाई केक खा के पैदा कराया इसकी माँ ने इसे, मूंगफली या केले? क्यों भाई छोटे चिल्लरों की तरह मोहल्ले में लौंडे घूम रहे हैं, वो दिखाई ना देते तेरे बंदर से प्रेम हो रहा है तेरे को? वही तो मैं भी कह रहा हूँ मैडम। और आगे सुनिए मैडम, ये हमेशा है ना मुझे झूठ बोलकर जाती है कि मैं जा रही हूँ कॉलेज पढ़ने के लिए, जबकि ये जाती है जू में भरी दोपहर में उस बंदर से मिलने के लिए। हाय हाय।
अब हालत ये है मैडम कि वो बंदर है ना मेरे घर में शिफ्ट हो गया। मेरी वाइफ है वो शर्मा जी के घर में शिफ्ट हो गई है। मेरे पड़ोसी जिस पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और मैं दो दिन से मैडम दो दिन से घर के बाहर घूम रहा हूँ क्योंकि वो बंदर जैसे मुझे देखता है काट लेता है भरी दोपहर में। इश्क में अंधी प्यार में पागल क्या कह रहा है डैडी? देखिए आई लव बंदर। और पता है वो कोई मामूली बंदर नहीं है, वो बहुत ही अनोखा बंदर है। पता है मैं जब उसे कहती हूँ हग मी तो वो मुझे हग करता है। मैं उसे कहती हूँ किस मी तो वो मुझे किस करता है। और पता है कभी कभी तो वो बिना बोले ही किस कर देता है। और पता है आज आज उसने क्या किया मुझे? मैटर नहीं है ये मामूली, बंदर से मिलना है जरूरी। ओके बाय। भाई लवली ना, मोहब्बत की पुतली, प्यार की पेंटिंग। ऐसा है कल तू अपने उस आशिक बंदर और अपने डैडी ने लेके जो है थाने में आ जा, कल करेंगे हिसाब किताब। नहीं मैडम नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद में आऊंगा क्योंकि बंदर जैसे मुझे देखेगा वो मुझे काट लेगा भरी दोपहर में। कम बेबी कम, हम बनाना कम 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 बंदर महाराज, जरा असलियत पे आ वरना मैं तन्ने सही का बंदर बना देती हूँ। नहीं 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 मैं बंदर नहीं, मैं तो इंदर हूँ। हमने तो समझा था इसे बंदर, लेकिन ये तो आदमी निकला बंदर की खाल के अंदर। ओके बाय। ओए तुम्हें शर्म नहीं आती इंसानों के बंदर बन के घूम रहे हो? शर्म आती है अंकल, पर हम क्या करें, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर लवलीना के डैडी जो है ना वो हमारी शादी के खिलाफ है क्योंकि मैं अमीर नहीं हूं ना। वो तो इसकी शादी किसी और के साथ कराना चाहते। अमीरी गरीबी ऊंच नीच ये सब प्यार करने वालों के सामने कोई मायने नहीं रखता। I'm proud of you, दोस्त, क्या बात है। लोग तो मोहब्बत के लिए आवारा दीवाना पागल हो जाते, तुम तो बंदर बन गए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चंद्रमुखी जी हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप प्यार करने वालों के खिलाफ नहीं हो सकती, प्लीज इन दोनों मासूमों की मदद करो, हेल्प देम। हाँ मैडम, अगर मेरे डैडी को पता चल गया ना कि ये बंदर नहीं इंदर है तो फिर हम दोनों फिर से एक बार जुदा हो जाएंगे। आई लव हिम, आई लव हिम। ओहो प्रेम के आकाश में उड़ते जुगल जोड़ियों, टेंशन ना लो और तू इंदर, इब तो जब तक मैं ना कहूं तू बंदर ही बना रहे। हाँ। इब तो थारी शादी भी होगी, बारात भी आएगी, सहनाई भी बजेगी और थारे बाप का बैंड भी बजेगा। अरे इसको खींचो खींचो खींचो, खींच रहा हूँ। मैडम मैडम आप सोचती ही रहेगी या कुछ बोलेगी भी भरी दोपहर में? ओ सस्सी, ज्यादा जो है ना एक्साइट होने की कोई जरूरत ना है, हमने जो है बंदर से बात करी है। क्या आपने बंदर से बात की? अरे भाई ऐसा है ना कि वो जो हमारा हवलदार से गुलगुले एक बार बचपन में एक बांदरों की टोली से किडनैप करके जंगल लेगी, तो भाई 10 साल यो जंगल में बांदरों के बीच पला बड़ा है तो उनसे इंटरेक्शन जो है कम्युनिकेशन सही कर सके यो। हाँ भाई यो पूछ के कह रहा यो। मैडम एक बार फिर से पूछ के बताता हूँ। ये कह रहा है कि इसे 5-स्टार होटल में खाना खाने का बड़ा शौक है, तो अगर आप इसके लिए 5-स्टार होटल का खाना मंगा दें तो ये खुश हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए ना, हम इसके लिए खाना मंगा देते हैं 5-स्टार होटल से, आपको हम बिल भेज देंगे। ओके लेकिन 5-स्टार होटल मान जाओ यार, वरना लोग क्या कहेंगे अग्निहोत्री का दामाद एक बांदर। नहीं 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 ठीक है नो प्रॉब्लम, आप जो भी चाहिए वो मंगवा लीजिएगा और बिल मुझे भिजवा दीजिएगा भरी दोपहर में। मत बिजली
अरे बस 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 गया। तो भाई इंदर क्या खाओगे बताओ? आलू दम, मटर पनीर, शाही पनीर। हाय सब मिलेगा, सब मिलेगा। गोपी तू क्या खाएगा? एक तंदूरी चिकन, एक क्वार्टर बटर नान भी। अरे मिलेगा यार, सबको मिलेगा। मैडम आप क्या खाएंगी? पेने अराबियाता, लज़ानिया बोलोनेस, एंचिलादास विद एक्स्ट्रा चीज, डेथ बाय चॉकलेट एंड वन वर्जिन पीना कोलादा। ओहो यही वाला, मेरे लिए भी तीन। मंगाता हूँ मैडम। तो आज हमारे चौकी में होगी दावत। गोपी बहुत हो गया, बाकी का पैक कर ले यार, घर ले जाएंगे। ये थोड़ा सा रखा मैडम। बंदर मैडम। मैडम मैडम ये सब क्या हो रहा है भरी दोपहर में? खाने का 50,000 रुपए का बिल हा? ये बंदर क्या क्या खा गया 50,000 में भरी दोपहर में? गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। छोड़ दे बंदर ने। खुश नहीं नहीं माने, खिलाइए खिलाइए और खिलाओ बंदर को। ये बंदर माना कि नहीं भरी दोपहर में? वो पूछ लेता हूँ ना मैं बंदर से। खाना खाना। पर ये कह रहा है कि ये ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा, अगर जाएगा तो बकायदा ठीक से विदाई होनी चाहिए, और विदाई के लिए वो चाहता है कि आप उसे कुछ गहने वहने दीजिए तो चला जाएगा वो। तो आप एक काम कीजिए ना, आप अपने ज्वेलर को फोन करके कह दीजिए कि कुछ ज्वेलरी के अच्छे अच्छे सेट लेकर यहाँ पर आ जाए, ये खुद चूज कर लेगा इसे क्या क्या चाहिए। मैडम ये सब क्या हो रहा है भरी दोपहर में? जैसी बांदर चाह रहा है वैसी विदाई कर दे उसकी, खुश कर दे, कहीं थारी बेइज्जती कोई ना विदा कर ले वो अपने संग। लेकिन अरे मान जाओ यार, वरना लोग क्या कहेंगे, अग्निहोत्री का दामाद एक बांदर। नहीं नहीं नहीं, मैं कल आता हूँ भरी दोपहर में। गोपी बोल तुझे क्या चाहिए? हाँ देख लेना यार, एक आधा डायमंड का हार मेरे लिए। क्या बात है, मैं भी अपनी बीवी को फोन करके पूछ लेता हूँ उसे क्या चाहिए, मतलब कोई चेन वेन, अंगूठी या पूरा सेट। मैडम मैं कब तक लवलीना से इसी तरह जुदा रहूंगा? नहीं नहीं मैडम, इट्स ओके, टेक योर टाइम, आई एम एंजॉयिंग इट। और कौन सा चाहिए? और अच्छा ये भी चाहिए, ये भी, अच्छा ये वाला भी चाहिए, ये भी, ये अच्छा ये भी चाहिए, ये और ये भी चाहिए, ये सारे सब चाहिए, इसे तो सब चाहिए। पूरे 5,00,000 दीजिए अग्निहोत्री साहब। मैडम मैडम आप ये क्या कर रही है, आप मुझे इस बंदर से बचवा रही है या लूटवा रही है भरी दोपहर में? ना तो हमने कही थी बेटी को मनोरंजन के लिए जू में लेके जा, जानवरों से दोस्ती करा, फ्रेंडली बनवा, हैं? टीवी ना खोल के दे सकता था घर में तू? भाई गुलगुले ना पूछ जरा अपने बांदर से, इसको सब कुछ सही लग रहा है, खुश है ये भी हो? जी मैडम पूछता हूँ। अरे मैडम ये तो कह रहा है कि ये इनसे इतना खुश है, इतना खुश है कि इनके अलावा किसी और को अपना ससुर बनाने का सोच तक नहीं सकता ये। सच डैडी, फिर करवा दीजिए ना हम दोनों की शादी, बचवा दीजिए ना बैंड बाजा, आई लव बंदर। अरे चुप 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 चुप। मैडम 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 आप ही कुछ कीजिए इस भरी दोपहर में। भाई भाई गुलगुले ना इस सिचुएशन में थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा? आ रहा है मैडम, आ रहा है, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही खटर खटारू चटर चट्टारू आइडिया। मैडम जरा साइड में आइए ना। हाय हाय।
तू हमारी शादी में लहंगा पहन के जाना, रैंप वॉक करके मन ने चूज करवाएगा लहंगा। भाई शशि आ जा भाई। लव यू बंदर, लव यू, लव यू, लव यू। एफआईआर। भाई ऐसा है कि थारी बेटी को तो हो गया है बंदर से प्यार, अब ऐसा है इसका मन ने एक लाजिक है कि कहीं थारी बेटी को किसी आदमी से पहले अगर प्रेम हो या अट्रैक्शन हो किसी प्रकार का, और वो आदमी है वापस आ जावे, तो हो सकता है उसको देख के फिर उसके मन में फीलिंग्स जाग जावे और वो बांदर को छोड़ के उस आदमी से जो है शादी कर ले, तो फिर तो थारी बेटी ह्यूमन स्पीसीज में ही जो है ब्याही जाएगी। ऐसा कोई आदमी है थारी नज़र में? था एक लड़का था जिसके साथ मेरी बेटी प्यार करती थी, उसका नाम था इंदर। हाँ, लेकिन मैंने उसे डांट के भगा दिया था ना भरी दोपहर में, अब जाने कहाँ वो होगा। भाई ऐसा है, वो तो हम पुलिस वालों पे छोड़ दे तू, हम तो पाताल से भी जो है गड़े मुर्दे उखड़वा लाए, पर इस सब काम में जो है 1,00,000 रुपया लगेगा। ओके ज्यादा है थोड़ा मैडम ना, बांदर को जो है 5,00,000 की ज्वेलरी चूज करवा सके तू, दिलवा सके, पुलिस को 1,00,000 ना खिला सके। ओ भाई गोपी, भाई छोड़ दे बांदर ने इस पे। नहीं 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 मैडम, मुझे मंजूर है, 1,00,000 रुपया मंजूर है भरी दोपहर में। भाई ऐसा है फिर तो इट्स वेरी सिंपल, कल जो है ना कल हम करेंगे शादी इस थाने में, लेकिन उस शादी में हम बांदर और थारी बेटी को बिठाएंगे ना, एक ड्रामा सा करेंगे कि इनकी शादी होने वाली है, इतने में जो है इंदर की करवा देंगे एंट्री। इंदर को देख के हो सकता है थारी बेटी का जो है ना दिल एकदम जाग जाए, हृदय परिवर्तन हो जावे और वो बांदर ने छोड़ के इंदर ने धर ले। हैं क्लियर, मंजूर से? मंजूर है मैडम, मुझे मंजूर है, लेकिन एक टेंशन है मुझे, एक बात खटक रही है कि अगर आपको इंदर ना मिला तो मेरी बेटी की शादी तो बंदर के साथ हो जाएगी ना भरी दोपहर में। नहीं ओ वर्दी, हमने कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए पहनी है, नौसिखिए हो रहे हैं हम, बालक हो रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर, हमें कुछ बेराइना है, ढूंढ लेंगे हम थारे इंदर ने, तू निकले यहाँ से। पक्का ना? ना हमें सिखा रहा है काम, बताओ। नहीं भरी दोपहर में ढूंढ लेंगे ना आप। चीजी निकल जा रहा है। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की, अरे भोली है मैडम, अगर ये इंदर एज इंदर एंट्री लेगा तो बंदर के कपड़ों में कौन होगा? हम बनेंगे बंदर, हम बनेंगे बंदर। इस प्यार से भरे केस को सॉल्व करने के लिए चंद्रमुखी जी मैं आपके साथ मतलब बंदर बन के उस लवलीना के साथ शादी के मंडप में बैठने के लिए हम तैयार है। नो एक्चुअली इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आई मीन लव, आई मीन अस, व्हाटएवर यू से बंदर कन्फर्म। ओके It's all because of you, Chandramukhi ji. बस बस, ओ पंडित जी, ज्यादा जो है ना आंखें फाड़ फाड़ के आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत ना है ना, क्यों बांदर की फीलिंग्स ना हो सके। इस चौकी में बांदर और छोरी की शादी हो रही है, हम करा रहे हैं, डू हैव प्रॉब्लम? भाई ऐसा है जल्दी से मंत्र पढ़ और शादी निपटा। अरे एक मिनट मैडम, अरे कब आएगा इंदर, अब तो शादी होने वाली है। अरे पेशेंस, ठहरो। यह शादी नहीं हो सकती क्योंकि इंदर मिल गया है। इंदर तुम यहाँ? अरे लवलीना, तुम मेरे होते हुए इस बंदर के साथ शादी करे? हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये बंदर के साथ शादी क्यों कर रही हो भरी दोपहर में। तो फिर मैं और किससे शादी करूँ? आपने इंदर से भी मेरी शादी नहीं होने दी डारी। ओहो ईगर टू मेरी, नमन ने यो बता कि अगर तो थारी शादी थारा डैडी इंदर से करा दे तो तू इस बांदर ने छोड़ देगी? हाँ हाँ अभी इसी वक्त छोड़ दूंगी मैं। बस तो सफी अंकल ऐसा है ना, अपनी बेटी और इस इंदर को लेके मंदिर में जाओ और जल्दी इनकी शादी करा, तब तक जो है हम इस बंदर में धर के रखते हैं। अरे बंदर, अरे इंदर, अरे
वाह चंद्रमुखी जी वाह। अरे जिस तरह आपने बनाया इनकी जोड़ी, खुदा भी बनाए आपकी जोड़ी, क्या बात है। सर अभी तक तो पैदा ना हुआ वो शख्स जो लाए हमारी बारात और चढ़ जाए घोड़ी। आपने मन नहीं याद करा है? याद, याद भी बड़ी कमबख्त चीज होती है। अगर किसी को याद आ जाती है तो आ जाती है, नहीं आती है तो आती नहीं। जैसे मुझे इतने दिनों तक याद ही नहीं आया कि हम दोनों जो है वो एक ही राह के दो मुसाफिर हैं। हाय हाय। दरअसल क्या है, आपका घर और हमारा घर जो है वो एक ही रास्ते पर होने के बावजूद भी हम दोनों घर जो है वापस दो अलग अलग गाड़ी में क्यों जाते हैं? इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि अगर आप और हम और आप और हम, मतलब हम दोनों। सर कितनी आसानी से आपने हम दोनों कह दिया। सर बिकॉज इट इज आसान। ओके 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 ओके। इसीलिए मैंने ये फैसला कर लिया कि आज के बाद हम दोनों जो है घर वापस एक ही गाड़ी में, एक ही जीप में जाएंगे। कैसी रही? सर हालांकि जो है इट्स सडन एंड रिसेंट डेवलपमेंट, लेकिन सर प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि हम दोनों का छुट्टी का टाइम अलग हो गया है क्योंकि ऑफ हर डिफरेंट पोस्ट हैं, तो इसलिए ये संभव ना है। तो आप संभव करा दीजिए, टाइम मैच करवा दीजिए ना आप। ओके सर, नेक्स्ट टाइम जो है ना कभी भी छुट्टी हमारी एक साथ होगी ना, तो आप और मैं और आप यानी हम दोनों एक साथ जो है ना एक ही गाड़ी में जाएंगे, एक ही जीप में। ना मैं जीप चलाऊंगी, आप हमारे बाजू में बैठना, मौसम का मजा लेना, हवा आएगी ठंडी ठंडी आपके मुंह पे। ओके सर, डोंट वरी। श्योर सर। और केस आ रखे हैं, जरा निपटा के आती हूँ सर। ओ कौन हो रहा है, यो बौखलाया बिलोटा FIR लिखाने की जो है इतनी जिद कर रहा है? नहीं 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 मैडम, बिलोटा नहीं, जल्लोटा। माने जीतू जलोटा मेरा नाम है बत्ती बुझा के, और मुझे मेरे ड्राइवर लड्डू के खिलाफ FIR लिखवानी है बत्ती बुझा के। क्या कर दिया तुम्हारे ड्राइवर ने, बीवी को छेड़ दिया या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैडम, बात यह है कि जब रोज गाड़ी निकालने की बात आती है तब ये मेरा ड्राइवर है ना लड्डू कुछ ना कुछ बहाने करता है कि आज मेरा पेट दर्द है, आज मेरा सर दर्द है, आज मुझे बुखार है, तो फाइनली गाड़ी मुझे ड्राइव करनी पड़ती है। और ये लड्डू साहब है ना पीछे की सीट पे आराम से पैर फैला के लेट जाते हैं, और जब सिग्नल आता है तो वो भिखारी लोग होते हैं वो मुझे ड्राइवर समझते हैं, और ये जो मेरे ड्राइवर साहब है उसको सेठ समझते हैं और उससे भीख मांगते हैं बत्ती बुझा के। अगर यही है बात तो तुम क्यों ले जाते हो उसको अपने साथ? ओके बाय। क्या करूं, वो भोपाल से आया है ना, और उसे मैंने अपने बंगलों में सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में मेरी प्यारी सी एक खूबसूरत साली भी है जो बिल्कुल मतवाली है। मतवाली मतलब ये उसका नाम है? हाँ। अरे नाम से ही लगता है कि एक नंबर की छरहरी। मैडम आप बिना एक नंबर। अरे बोली है। तो अभी आप ही बताइए कि घर में जब खूबसूरत मतवाली साली हो तो एक ड्राइवर को घर में अकेला छोड़ना चाहिए बत्ती बुझा के? अरे ऐसा है, इतना सिंपल हो रहा है मैटर ना, मैं समझ रही हूँ कि ये जवान साली को जवान ड्राइवर के संग तू घर में अकेला ना छोड़ सकता है। ओके टेंशन, पर उसे नौकरी से तो निकाल सके तू? नहीं निकाल सकता ना मैडम, क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले 3 ड्राइवर है नौकरी छोड़कर भाग गए, इसलिए मैंने इस ड्राइवर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कम से कम 2 साल तक तुम मेरी नौकरी छोड़कर नहीं जा सकते, और कम से कम 2 साल तक मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल सकता बत्ती बुझा के। बोलो भैया ऐसा है, यो केस हमारी समझ में ना आ रहा, अब या तो तू हमें समझ ले तो हम तैने समझ लेंगे। कितना? नॉट मच, 50,000 ओनली। नो माने मैं आपको 49,999 रुपीस दूंगा। बोलो आपको मंजूर है बत्ती बुझा के? ओके डन। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक चटक कन मिर्च ना मक्खन आइडिया आ रहा है। आप जरा टेबल के नीचे तो आइए।
तुम्हारी शादी में विदाई के टाइम पे आंसू बहाएगा तू। ऑफकोर्स पढ़ूंगा। अब तू सुन भाई, थारी जो गाड़ी है ना उसमें ड्राइविंग सीट के अलावा जो है ना जितनी सीटें हो रही हैं सबने उखाड़ के फेंक दे। जब गाड़ी में ड्राइविंग सीट के अलावा कोई सीट ही ना होगी तो बैठेगा कहाँ, आराम कहाँ करेगा? फिर वो झक मार के बोलेगा भाई ऐसा है मैं ही चला रहा हूँ गाड़ी। ठीक है मैडम, ठीक है, भले ही मेरी गाड़ी एक महीना पुरानी है लेकिन मैं दिल पे पत्थर रखकर सारी सीटें उखाड़ के फेंक दूंगा बत्ती बुझा के। थैंक यू वेरी मच मैडम, बत्ती बुझा के थैंक्स। जा कैश लेके आ उसके घर से। अभी तो कभी। ए रुको। और मैं? तू तो भाभियां छेड़ हैं, बीबियां देख किसकी कहां कैसी हो रही हैं। सॉरी सॉरी अम्मी जी। चंद्रमुखी जी, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? सर जिस आदमी को मोच लगती है ना वो घर का तय ना जाता, अस्पताल जाता है। अस्पताल जाइए। ये अस्पताल वाला मोच नहीं है, दरअसल ये स्टीयरिंग वाला मोच है। एज इन मतलब मैं स्टीयरिंग कैसे पकड़ूंगा अब, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप अपनी जीप में मुझे घर छोड़ दे। है आइए। सर मन्ने अब भी याद आया कि मन्ने तो जो है ना साकी कंट्री बार में जो है रेड मारने जाना है। आप एक काम करो, गुलगुले गुलगुले आपको छोड़ देगा। ओके ओ गुलगुले, ओ बेटा गुलगुले। जिंजने कमाल है यार। F.I.R. मैडम बत्ती बुझा के। योले बुझा दी बत्ती। ई बोल परसान आत्मा, थारा ड्राइवर थारी साली ने लेके भग गया के? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ बत्ती बुझा के। मैडम आपने कहा था ना कि अपनी गाड़ी की आगे वाली और पीछे वाली सीटें निकलवा दो, तो मैंने निकलवा दी। तो आज फिर से मेरा ड्राइवर बीमारी का बहाना लेकर आया और पीछे गद्दा लगा के लेट गया। और मैडम ऐसा लेट गया जैसे कोई मुजराना सुन रहा हो। और बीच में जब सिग्नल आया तो कहने लगा कि सर जरा एक गजरा तो ले लेना बत्ती बुझा के। तो तूने गजरा खरीदा? अरे नहीं, तुम चुप रहो यार। मैडम मैडम आप कुछ कीजिए, क्योंकि मैंने आपको 49,999 रुपीस दिए बत्ती बुझा के। भैया ऐसा ज्यादा एहसान तो कतई ना गिना है, और वो तो जो है एक आइडिया जो दिया था उसके हिसाब में सेटल हो गया है। अब जो और एक आइडिया चाहिए तो नया हिसाब बनाना पड़ेगा भाई। कितने बत्ती बुझा के? भाई नॉट मच, ओनली 20,000। नहीं, मैं आपको 19,999 रुपीस दूंगा। बोलो मंजूर है बत्ती बुझा के? भाई यो सही है, तो फिर आइडिया सुन भाई। कोई भी ड्राइवर जो है यो कतई ना बर्दाश्त कर सके कि उसकी आंखों के सामने कोई और आदमी जो है गलत तरीके से ना रफ तरीके से रेस तरीके से गाड़ी आड़ी टेढ़ी चलाए, न वो ड्राइवर झक मार के बोलेगा भाई आप रहने दो, न मैं ही चला ले रहा हूँ गाड़ी, मन ने अपनी जान प्यारी हो रही है। Yes! के समझा? तो मेरी जान? हाय! माने मेरा कहने का मतलब है कि मेरी जान का क्या होगा मैडम? भाई इतना तो जो है रिस्क लाइफ में लेना ही पड़े इंसान को। ठीक है मैडम, ठीक है, मैं ऐसी गाड़ी रफ चलाऊंगा, ऐसी रफ चलाऊंगा कि वो डर के मारे भाग जाएगा बत्ती बुझा के। चंद्रमुखी जी हाय हाय हाय, चंद्रमुखी जी आप इधर आइए चंद्रमुखी जी, इधर आइए। हाय 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 हाय, ये देखिए, ये देखिए ना, ये आपके इस गोलगप्पे ड्राइवर ने क्या किया। अरे इसने इतनी तेज गाड़ी चलाई है एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चलाई है। वो वहाँ 130 से थोड़ा ज्यादा था मैडम। अरे चल छोड़ के 150। देखिए गुलगुले, व्हाट हैव यू डन? चल कान पकड़ के दीवार की तरफ फेंस करके खड़ा हो जा। चल
ओके ओके मैडम, बस इतना ही सर। आई डील विद हिम, डोंट वरी। व्हाटएवर व्हाटएवर, लेकिन चंद्रमुखी जी मुझे लगता है कि अब तो आपको मुझे घर छोड़ना होगा। क्या है, 4-5 महीने तक तो ये ठीक होगा ही नहीं, और वो तो बहुत ही रैश ड्राइवर है। सर मैं क्या कह रही हूँ कि मैं जो है ना आपको सवेरे लेकर भी आऊंगी और ड्रॉप भी कराऊंगी। यही ड्यूटी हो रही है ना हमारी, सर आपकी पर्सनल ड्राइवर बन जाती हूँ मैं। गोपी ये देना प्लीज। रैम करिए सर। सॉरी वो थोड़ा सा बैलेंस। संभल के सर, संभल के सर। कम लेके जा, कम केबिन में छोड़ा। कम कम प्लीज। तुम तो मुझे छोड़ दोगे, तुम्हें कौन छोड़ेगा। विक्की विक्रांत नाम है मेरा। मैडम आप इस आदमी को गिरफ्तार कीजिए, इस आदमी ने मेरी गाड़ी को बुरी तरीके से ठोका है फुर्सत में। क्या कह रहा है? मैडम आप भी लोगों ने मुझे कहा था ना कि गाड़ी रफ चलाओ, बुरी तरह से चलाओ, ताकि ड्राइवर डर जाए और सामने से कहने लगे कि सर आप रहने दो, गाड़ी मैं चला लूंगा। अब मैं गाड़ी रफ चला रहा था, बुरी तरह से चला रहा था, तो मेरी गाड़ी इनकी गाड़ी के साथ भिड़ गई बत्ती बुझा के। मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं मैडम। भैया ऐसा है, हम इसके खिलाफ जो है कंप्लेंट लिख लेंगे, तू टेंशन ना ले, चल निकल। आप मुझे जानती नहीं है मैडम। मेरा बाप इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है। अरे इस थाने में आग लगवा देगा वो, एक एक को खिंचवा देगा। आप समझती क्या अपने आप को? ओके दीदी। क्या यार तुमने गाड़ी ठोक दी, अब तो तुम पर केस बनेगा। मैडम कितना? नॉट मच, 10,000। नहीं 10,000 नहीं, 9,999 रुपीज। बोलो आपको मंजूर है? ओके ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? भाई वो भी हम बताएं ना, उसके तो अलग से लगेंगे। कितने? भाई नॉट मच फॉर यू कंसेशन, 5,000। ओके ना, 4,999 रुपीज। बोलो आपको मंजूर है? सही है, तो फिर सुन, केस की जड़ हो रही है साली ना, उसी को लेके इनसिक्योरिटी हो रही है ना। अरे उसी के करेक्टर पे तो शक बैठा है कि नहीं? तो ऐसा उसको जो है उसके बाप के घर भेज, यानी अपने ससुर के यहाँ। और ऐसा है फिर एक बार वो चली गई तो थारा घर खाली, उसमें भाई ड्राइवर रहे मजे से, तू अपनी गाड़ी चला टेंशन फ्री। राइट मैडम राइट, अब तो ना रहेगी साली और ना बजेगी ताली बत्ती बुझा के। थैंक यू वेरी मच। सही है मैडम, सही है। दोस्त हो रही हूँ मैं थारी, सहेली हूँ ना, हमारा हाथ पकड़ के बाग में घूमेगा तू, पेड़ पे चढ़ेगा आम तोड़ेगा। हुई 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 हुई। मस्खरा हो रही हूँ मैं, सुदामा हूँ मैं, ताली दे रहा है। सुदामा किसन एंड सुदामा बा फ्रेंड्स। हिस्ट्री पढ़ी है तेने, किस काम का हो रहा है, पुलिस ज्वाइन कर ली। गुड मॉर्निंग मैडम। रात को घर में नींद पूरी ना होती, ईब तो जो बंदूक निकल आई है ना, तो गोली तो चल के ही रहेगी बेटा। ये पुलिस स्टेशन है या मिलिट्री कैंप? अरे मैडम पैर पे लगी है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैडम ये क्या हो गया? आपके कहने पे मैंने मेरी साली को उसके घर पे जाने के लिए कहा, तो ये सुनकर मेरी बीवी भड़क गई और मुझे घर के बाहर निकाल दिया बत्ती बुझा के, क्योंकि मैं अपने ससुर के दिए हुए घर में रहता हूँ ना बत्ती बुझा के। देखिए मैडम ये है, ये लड्डू मेरा ड्राइवर। मैडम इसका भी कुछ कीजिए और मेरा भी कुछ कीजिए बत्ती बुझा के। क्या कह रहा है थारा मालिक? हैं? कसम भोपाल की मैडम, हम कह रही हैं, हम जरा नाजुक तबीयत के आदमी हो रही है मैडम, जरा सी हवा चली हम बीमार पड़े, जरा सी धूप निकली हम बीमार पड़े, जरा सी बरसात हुई हम बीमार पड़े, अब इसमें हमारा क्या दोष हो रहा है मैडम? देखा देखा मैडम, ये देखा मैडम, इसका कुछ कीजिए प्लीज बत्ती बुझा के। भाई इसका तो मन ने जो है ना, यो लास्ट सोल्यूशन दिख है कि इसकी नौकरी ना मैं कहीं और लगवा दूं।
अरे मैडम बोल तो दिया लेकिन इसकी नौकरी कहाँ लगवाएंगी आप? No fear, but I am near. Excuse me. Yes. जरा सहारा दीजिए. क्या हसीन इत्तेफाक है चंद्रमुखी जी कि हम दोनों की छुट्टी जो है एक साथ हो गई है. अब तो आपको मुझे घर छोड़ना ही होगा. अरे यस सर, मैं तो जो है ना एकदम से चाह रही थी कि मैं अरे सर सर निकालो सर 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 सॉरी सर सर मैं तो जो है चाह ही रही थी कि मैं ही जो है ना आपको घर छोड़ू, पर एंड मोमेंट पे ना कोई चिपनेस हो जावे. आई अंडरस्टैंड. आइए. लेकिन चंद्रमुखी जी मैं ये क्या कह रहा था कि आपके और मेरे घर के बीच में एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है. सुना है वहां का चाइनीज जो है स्पेशली हॉट एंड सार सूप बहुत मजेदार है. हो जाए हॉट एंड सार? या सर इफ इट्स हॉट देन व्हाई नॉट सर. क्या मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, अब कमिश्नर साहब का फोन आया है. उन्होंने कहा आप थाने में ही रहो, वो यहीं आने वाले हैं. अंगल साहब चिपनेस सर, दिस इज व्हाट आई कॉल एंड मोमेंट की चिपनेस. वेरी चीप वेरी चीप वेरी चीप. अब मैं घर कैसे जाऊंगा सर? सर सर मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे सर, लेकिन इसलिए मैं अपने साथ लड्डू को लाया हूँ सर. ये अच्छा ड्राइवर है, ये छोड़ेगा आपको. ये लड्डू ड्राइवर, इसका तो केस हमारी चौकी में है ना? Yes. है ना? ये लड्डू तो बीमार है, ये ड्राइवरी कैसे कर सकता है? अरे सर यो जो है ना बीमार था, यो कभी बीमार ना पड़ेगा. यो एकदम फिट एंड फाइन, एकदम सही हो गई है इसकी तबीयत. क्यों हो गई है ना? हमारी तबीयत एकदम ठीक तो है अभी बस. और भाई लड्डू, मैंने सारे से कही थी ना कि मैं तन्ने एक अच्छी सी नौकरी लगा दूंगी, तो हमारे सर जी जो है ना 3-1 महीने के लिए तो गए ना, मतलब ड्राइविंग तो नहीं कर पाएंगे. तो आज से तू इनका ड्राइवर, ही इज ऑल योर्स सर. एंजॉय योर ड्राइवर. ओके ऑल द बेस्ट. निकालो. अरे नहीं निकालो, हम तो खुद बीमार हैं. देखिए इंस्पेक्टर. चुप मनुष्य लड्डू. देखिए चुप. आज से ठीक 3 या 4 महीने तक तुम कुछ नहीं बोलोगे. नहीं लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे? सुनिए देखिए. चलो ठीक है, आप कहते तो चला जाते, लेकिन क्या करें मनुष्य कहीं का. अरे बैठ जाइए. अरे निपट गया क्या सर? सर रुक जा. हम तो पहले से बीमार थे. अरे ध्यान से सर. अरे ध्यान से. अरे गिरिए मत सर, ध्यान से. बाप रे. पर सर सर आप ठीक है ना? अबे क्या ठीक है? हाँ लड्डू पेड़े अक्का लेके नहीं, किसने तुझे ड्राइवर बनाया? गाड़ी चलानी आती है तुझे? सर वो क्या सर, सर आप अभी इतना गुस्सा कर रहे तो सर आपको बता देते सर. सर दरअसल बात यह है कि सर हमको गाड़ी चलानी नहीं आती है सर. सर तभी तो ये सब नाटक कर रहा हूँ सर. अरे आई एम फाइन, एब्सोल्युटली ओके सर, प्लीज आई एम परफेक्ट, बट मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती ना, इसलिए मैं नहीं आती तो डफर पहले बोला क्यों नहीं? अरे सर तब बताने तो लगा था लेकिन आपने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया सर. तो चलिए सर मैं आपको छोड़ देता. अगर तू जो खुद जा चल मेरे को छोड़. अरे लेकिन सुनिए सर. अरे मेरी बात सुनिए सर, पेट पे लात मत मारिए सर. अरे ये नौकरी भी गई यार, कमाल है. चले तो कोई बात नहीं. क्या हो गया सर? आओ छोड़ दूं. नो थैंक यू वेरी मच. I'll manage. Are you sure? Yeah. I'm very, very, very sure.